तो दोस्तों NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर डाटाबेस की लाख्स में, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 7584 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 6257 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 5284 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 16% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 31 से 32% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको इस क्वार्टर में गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूँ कंपनी सो गया 52,284 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको साल दर साल बेहतर होता हुआ देखने वाला, ऑलमोस्ट 6530 करोड़ के आसपास का अनुमान था मार्केट का, लेकिन उसके मुकाबले देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको कम देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 7408 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 6762 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 5068 करोड़ के आसपास आपको देखने वाला। कंपनी खर्चे देखें तो कंपनी खर्चे इस क्वार्टर में कंट्रोल है, और खर्चे जो कंट्रोल है उसके पीछे का एकमात्र रीजन आप बोल सकते हैं परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। यहाँ पर अगर आप देखते हैं आप तो कंपनी को पिछले साल लगभग 2666 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में मात्र कंपनी ने 638 करोड़ खर्च किए। तो इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी ये जो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है वहाँ पे कंपनी के खर्चे बहुत कम आपको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो आपको कम देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 150 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल देखें तो 235 करोड़ के आसपास के लॉस में थी कंपनी, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो लॉस है जो आपको पिछले क्वार्टर में 235 करोड़ के आसपास देखने को मिला है, उसके मुकाबले कंपनी 207 करोड़ के मुनाफे में आपको जाते हुए देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं कंपनी पहले तो घाटे से मुनाफे में आपको आते हुए देखने को मिले, जहां 235 करोड़ के नुकसान था कंपनी को, अभी 207 करोड़ के प्रॉफिट में आपको आते हुए देखने को मिले। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पर भी कंपनी की जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक तेज़ी आपको देखने को मिल रही। और हालांकि ये जो प्रॉफिट क्यों इतना बड़ा आपको देखने को मिला, क्यों कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। बेसिकली ये जो ये एक्सपेंस का जो पैरामीटर जो है इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है कंपनी कुछ रॉ मटेरियल जो है कंपनी अपने स्टॉक में रखती है, तो उसके लिए कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट करती है। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने वो इन्वेस्टमेंट जो है बहुत कम किया है, 638 करोड़ के आसपास ही कंपनी इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पे। इसकी वजह से कंपनी का 50% स्टॉक इन ट्रेड जो है वो इस क्वार्टर में कम देखने को मिल रहा है। हो सकता है अगले क्वार्टर में कंपनी फिर से मतलब अपने जो वेयर हाउस है उसको भरने के लिए ज़्यादा स्टॉक इन ट्रेड करें, उसकी वजह से अगले क्वार्टर में फिर से आपको एक्सपेंस हाई देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से ये एक्सपेंस जो है कम देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। EPS की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3.08 रुपये, पिछले साल 4.81 रुपये माइनस का, अभी देखें तो 4.23 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए मेरे हिसाब से नंबर मिक्स्ड टाइप के नंबर है, मुझे नहीं पता किस नंबर में मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, क्योंकि रेवेन्यू तो आपको गिरता हुआ देखने को मिला, जितना मार्केट की उम्मीद थी उससे कम आपको देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस जो है कंपनी ने स्टॉक एंड ट्रेड के नाम पे कम कर दिया है, तो इस पे देखना पड़ेगा कि मार्केट इस नंबर पे कैसे आपको रिएक्ट करता हुआ देखने को मिलता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।